आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर iOS फ़ोन में चैट GPT का यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चैट GPT जो है वो प्ले स्टोर पर भी अब आ चुका है और आप इसे प्ले स्टोर पर चैट GPT सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चैट GPT डाउनलोड कर रखा है। तो चैट GPT जो है वो एप्पल फोन्स में यानी कि iOS वर्जन में पहले से ही अवेलेबल था, प्ले स्टोर पे अब अवेलेबल हो गया है। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो ये ऐप है चैट GPT इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो चैट GPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एप्लीकेशन है। इसमें आपको क्या करना है, आप कोई भी चीज़ इससे पूछ सकते हो, कोई भी इससे प्रोग्रामिंग करवा सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आंसर ये ना दे पाए। ठीक है, तो पहले हम लोग कोई भी एक चीज़ टाइप करेंगे। लेट सपोज हम लोग टाइप करते हैं कि व्हाट इज़ AI, इससे यही पूछ लेते हैं कि AI क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैट GPT यहाँ पे अभी डॉट बना हुआ आ रहा है, अभी देखिए कुछ कहता है कि नहीं कहता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ये पूरा बता रहा है, मतलब इसके अंदर पूरा डेटा जो है वो फीड रहता है और ये आपको अपना जो स्मार्ट आंसर है उसे क्रिएट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंसेस फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मशीन्स एंड सिस्टम्स डैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि मतलब जो AI है वो ऐसा कंप्यूटर साइंस है जो कि मशीन्स को और सिस्टम्स को जो जो भी हम लोग टास्क देते हैं वो परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और टाइप करते हैं कि कैन यू मेक वेबसाइट्स वेबसाइट्स ऑन योर ओन। ठीक है, ऑन योर ओन इसे हम लोग पूछते हैं, उसके बाद अभी ये इसका भी आंसर देगा। ठीक है, तो हमको थोड़ी देर इसका वेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट वेबसाइट्स डायरेक्टली, हाउएवर आई कैन प्रोवाइड यू विद द नेसेसरी कोड एंड गाइडेंस। देखिए कि AI लैंग्वेज मॉडल की वजह से ये बना नहीं सकता है, लेकिन ये आपको नेसेसरी जो भी कोड एंड गाइडेंस लगेगा वो ये आपको बता देगा। ठीक है, तो अब कॉलेज वगैरह में आजकल काफ़ी ज़्यादा AI का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बच्चे जो है उनको कोडिंग वगैरह मिलती है तो वो लोग डायरेक्टली चैट GPT में जाते हैं और यहाँ पे अपना जो कोड है वो टाइप कर देते हैं, उनको आउटपुट मिल जाता है, या फिर अगर वो आउटपुट डालते हैं तो उनको इनपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है वो चैट GPT का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको न्यू चैट में जाना है तो न्यू चैट में जा सकते हो, यहाँ से हिस्ट्री देखना है तो आप हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, आपने जो जो चीज़ें जो है वो सर्च करी होंगी वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा चैट GPT में। ठीक है, बाकी आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, इसमें फ्री प्लान है, इसका पेड प्लान भी होता है, तो आपको अगर पेड प्लान चाहिए तो आप भी उसको यहाँ पे इजीली ख़रीद सकते हो। तो ये तरीका था जिससे कि आप चैट GPT का यूज़ कर सकते हो और एंड्रॉयड में भी अब ये अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।